समय मैं हूँ ब्रह्म कुंड गुरुद्वारा के सामने, और पीछे आप देख सकते हैं जो ऊपर ऊंचा ऊंचा आपको दिखाई दे रहा सारा बना हुआ, ये पूरा वो जगह है जहाँ पे मेन जो हमारे श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, और उसके जस्ट पीछे यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है, और मस्जिद से बिल्कुल इधर आप देखेंगे ये बोर्ड देखिए लगा है ब्रह्म कुंड गुरुद्वारा का, और ये रास्ता जाता है ब्रह्म कुंड गुरुद्वारे की तरफ। यहाँ के लिए दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 5000 वर्ष तक तपस्या की थी, और गुरुद्वारा का नाम इसलिए इसके साथ जोड़ा गया क्योंकि गुरु नानक देव जी को ब्रह्मा जी ने जो दर्शन दिए थे वो इसी स्थान पे दिए थे। तो हम आपको ऐसे पवित्र स्थल के दर्शन कराते हैं और यहाँ के बारे में सारी बातें भी बताते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं ब्रह्म कुंड गुरुद्वारा के दर्शन। दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या में स्थित इस ब्रह्म कुंड गुरुद्वारे में स्थित है राम जन्मभूमि के लिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की सेना के भीषण पराक्रम के चिन्ह, जो सिख सेना ने राम जन्मभूमि को बचाने के लिए दिखाया था। और अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर, और दरवाजे के बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए संक्षिप्त इतिहास। पहला पॉइंट तो यहाँ के एक बेल के वृक्ष के बारे में, जो हम आपको भी अंदर चलकर दिखाएंगे, और साथ ही यहाँ के जो इनके नवम गुरु हैं तेग बहादुर जी, और 10वें गुरु जो इनके हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बारे में भी थोड़ी संक्षिप्त सी जानकारी लिखी हुई है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं वह बेल का वृक्ष और बताते हैं उसके बारे में। देखिए, इस पे लिखा है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी, हरिद्वार से जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय संवत 1557 विक्री में सरयू तट ब्रह्मकुंड घाट पर इस प्राचीन बेल वृक्ष के नीचे बैठकर पंडित समाज के मुखियों के साथ सत्संग कर सत उपदेश दिया। और इस वृक्ष के सामने एक गोल कमरा बना हुआ है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने हरिद्वार से जगन्नाथपुरी जाते समय सामने बेल वृक्ष के नीचे बैठकर पंडित समाज के साथ सत्संग कर सत उपदेश देकर यहाँ विश्राम किया। अच्छा, जो पेड़ पे लिखा था वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और चलिए दोस्तों, अब हम आपको गुरुद्वारे के सेंट्रल एरिया के दर्शन कराते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे ब्रह्म कुंड और यहाँ का जो मुख्य जगह है कुआं, और जहाँ पे रखे गए हैं शस्त्र गुरु नानक देव जी के, वो सारे हम दिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा नमन करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना से मुगलों की शाही सेना का भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें मुगलों की सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त दिल्ली और आगरा पर औरंगजेब का शासन था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना को चिमटाधारी साधुओं का साथ मिला। कहते हैं कि मुगलों की शाही सेना के हमले की खबर जैसे ही चिमटाधारी साधु बाबा वैष्णव दास को लगी, तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगी और गुरु गोविंद जी ने तुरंत ही अपनी सेना को भेज दिया। दशम गुरु उस समय आनंदपुर साहिब में थे। निहंग सिखों की सेनाओं ने साधुओं के साथ मिलकर मुगल सेना से भीषण युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में पराजय के बाद सिखों और साधुओं के पराक्रम से औरंगजेब बहुत ही हैरान और क्रोधित हो गया था। कहते हैं कि मुगलों से युद्ध लड़ने के बाद निहंग सेना ने सबसे पहले ब्रह्म कुंड में ही अपना डेरा जमाया, और गुरुद्वारे में वे हथियार आज भी मौजूद है जिनसे मुगल सेना को धूल चटाई गई थी। और दोस्तों, चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं ब्रह्म कुंड की तरफ, और रास्ते में एक यात्री हॉल लिखा है लेकिन यहाँ पे पूरा सारा खाली पड़ा और बहुत ही पुराना देखने से ही लग रहा है, यात्री निवास लिखा हुआ है इस पे। और ये रहा वो जगह जहाँ पर है ब्रह्म कुंड, और यहाँ पर एक बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है तो काफी मिसप्रिंट है इस पे, कोशिश करते हैं पढ़ने की कि इस पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ ब्रह्मकुंड में लिखा है, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की आज्ञा से आदि श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ 5000 वर्ष घोर तप किया। विगत वर्षों में सरयू के तट पर, पता नहीं क्या लिखा है, मिसप्रिंट हो रखा है थोड़ा सा, पानी से प्राचीन मंदिर सरयू की धारा में विलीन हो गया था। नए सिरे से मंदिर व परिक्रमा सिंहासन की निर्माण सेवा गुरुद्वारा मंदिर प्रबंधक द्वारा शुरू की गई है, ऐसा कुछ लिखा है, काफी लाइट सा लिखा है।
सरयू तट पर स्थित इस ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के पास ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और दुख भंजनी कुआं है। दुख भंजनी जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दुख का भंजन, दुख को दूर करने वाला। मान्यता है कि अयोध्या प्रवास के दौरान सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने इसी कुएं के जल से स्नान किया था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने विक्रमी संवत 1557 में यहाँ उपदेश भी दिया था और विक्रमी संवत 1725 में असम से पंजाब जाते समय नवम गुरु तेग बहादुर जी ने यहां माथा टेका और दो दिन तक अनवरत तप किया था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह भी संवत 1726 में यहां पधारे थे। उनका खंजर, तीर और दस्तार चक्र यहां निशानी के तौर पर आज भी भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। कुंड जो है पूरा बह गया, बाढ़ में धारा। तो जहां पे पीले रंग का एक लगा जिस पे ब्रह्मकुंड लिखा है, छोटा सा दरवाजा भी है, इसी के पीछे रहा होगा। इसी के पीछे कुंड था। हाँ, वो मेरे को अंदाजा यही लग रहा था। कुंड का निर्माण हम जो है उसका मतलब मंदिर का निर्माण हम करवा रहे हैं। अच्छा। वो कुंड जो है कुआं से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो कुआं है इस कुआं से नीचे जुड़ा सोता से। अच्छा, अभी तो लेकिन वो सारा एक साथ उसमें पौधे हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नीचे से जुड़ा हुआ जल का स्रोत जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो चलिए आपको दिखाते हैं दुख भंजनी कुआं और किस तरह से वो ब्रह्म कुंड से जुड़ा है नीचे नीचे से। तो चलिए चल के देखते हैं आगे। और दोस्तों, ये सामने है दुख भंजनी कुआं और ये रास्ता पीछे पीछे इस दीवार के साइड में जा रहा है उस जगह पे जहाँ पर लगा था ब्रह्मकुंड का बोर्ड। यानी कि जो ये दीवार है इसके जस्ट पीछे जो एरिया नीचे आपको ये सारा दिखाई दे रहा है, ये सारा एरिया जो है वो ब्रह्मकुंड का है जो जाके मिलता है हमारा कुएं से नीचे नीचे से। अभी यहाँ पे सारे पेड़ पौधे उग गए हैं तो वो हमें नीचे का पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर अंदर से वो अंदर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। वो मैंने देखा, उन्होंने ब्रह्मा जी के दर्शन यहाँ पे किए। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। तो ये है पूरा हमारा एक्चुअल में ब्रह्मकुंड, ये है। तो आइए दोस्तों, आपको हम जरा इस कूप के दर्शन अंदर से कराते हैं। देखिए अंदर से कैसा दिखता है ये कूप। ये है पूरा लंगर हॉल, है ना, यहाँ पे लंगर करते हैं हर संडे, हर संडे को। अच्छा, ज्यादा मात्रा में होता है, रोज कम लोग जो आते हैं। अच्छा, इसके पीछे गौशाला। अच्छा, तो ये सब आपकी तरफ से ही होता सर यहाँ पे? जी, संगत कराते हैं। मतलब हाँ, मतलब आपका जो भी ग्रुप यहाँ पे होते होंगे। हमारा नहीं, हमारा ग्रुप नहीं, हिंदू कराते हैं, कोई सिंधी कराते हैं, मोनी पंजाबी है। अच्छा अच्छा, शहीदी पर्व है जो दिल्ली की चांदनी चौक में हुई थी। अच्छा, वो हमने जब मना रहे हैं, बाहर पार्क चल रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, योगी जी भी इसमें आ रहे हैं। अच्छा, इसको हाँ, तभी मैंने पकड़ाया की फोटो है यहाँ पे गली पे। ऐसा पता है तू क्या बताया था मुझे बाहर किसी ने? अच्छा, उसके अंदर हर जो घर है ना किसी का, उन्होंने बताया। अच्छा, यहाँ पे आए थे, उन्होंने प्रणव भाव भेंट किया था। कौन, किसकी? गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी की खड़ा हूँ। जी जी। और किसने भेंट की थी? गुरु तेग बहादुर जी ने किसी सेवक को भेंट किया था, सेवक ने डिमांड किया था। अच्छा, अपनी खड़ा हूँ भेंट किया। खड़ा हूँ यहाँ दर्शन, उनके इनका आशीर्वाद यहाँ पे उन्होंने वरदान दिया है। कोई यहाँ मनोरों से मानता है उसकी पूरी होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा अच्छा, आज भी लोग आते हैं, खुशी से जाते हैं। ये शस्त्र गुरु गोविंद सिंह जी का। अच्छा, तो यहाँ पे भेंट करके हैं शस्त्र। अच्छा, वो शस्त्र जो है श्री राम जन्मभूमि को जब गुरु गोविंद सिंह जी की सेना ने छुड़वाया था। अच्छा, इसे यहीं पर रुके थे, इसे शस्त्र युद्ध किया था। अच्छा, फिर मुसलमानों से छुड़वा के हिंदुओं को सौंप के पंजाब चले गए थे वो। अच्छा, वो चकला, तो तब ये शस्त्र यूज किए गए। वो चकला रखा है माता गुजरी जी का, वो साइड का। माता गुजरी जी मतलब गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी का, वो भी यहाँ पे आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो जो बेल वृक्ष बाहर लगा है वो नाथ जी वहाँ पर उन्होंने सत्संग किया है। हाँ, वो मैंने पढ़ा वहाँ पे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने बंदों को चने खिलाए, वो सामने फोटो ली। हाँ, ये ब्रह्मा जी की मूर्ति रखी है। हाँ, जिन उनके दर्शन पाए थे ना इन्होंने ब्रह्मा जी के। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह।
हमारे यहाँ 260 वर्ष की हमारी सरगद्दी है, हमारी चलती है जी 260 वर्ष की जी। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी की इस तपस्थली के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं वापस, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये पवित्र जगह के दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो, जय श्री राम।